दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। क्या आप जानते हो कि एक सेकंड का मतलब क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं, एक घंटा यानी 60 मिनट, एक मिनट यानी 60 सेकंड, लेकिन क्या आप जानते हैं एक सेकंड यानी कितना कालावधि होता है, कितना ड्यूरेशन होता है? तो चलिए जानते हैं एक कालावधि कैसा रहता है और परमाणु घड़ी क्या है। मनुष्य प्राचीन काल से ही समय मापने के लिए अलग अलग तरह की घड़ियों का इस्तेमाल करता आया है। प्राचीन काल की घड़ियों में अधिक प्रामाणिकता नहीं थी, परंतु आज के वैज्ञानिकों ने बहुत ही उच्च स्तर की घड़ियों का विकास कर लिया है, जिनसे छोटी छोटी समय की गति को भी मापा जा सकता है। सामान्य तौर पर प्रयोग में आने वाली आधुनिक घड़ियां 3 प्रकार की है। 1 चाबी से चलने वाली घड़ियां, 2 विद्युत से चलने वाली घड़ियां, 3 इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां। तीनों प्रकार की घड़ियों की समय और एक सीमा तक प्रामाणिकता के साथ बताती है, लेकिन कुछ ही समय में ये सुस्त या तेज हो जाती है। यानी आपकी घड़ी एक तो पीछे आ जाएगी, नहीं तो आगे चली जाएगी। इसे कहते हैं सुस्त और तेज। कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही उच्च स्तर की घड़ी विकसित की, जिसे परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक के नाम से पुकारा जाता है। यह घड़ियां इतनी प्रामाणिक है कि 30,000 वर्षों के समय में अधिक से अधिक 1 सेकंड सुस्त और तेज होती है। क्या तुम जानते हो कि परमाणु घड़ी क्या है? परमाणु घड़ियों के विकास ने समय मापने के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इन्हीं के आधार पर अब समय का अंतरराष्ट्रीय मापन परमाणु सेकंड मान लिया गया है। इस मापन में सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 633, 1770 कंपन करता है। परमाणु घड़ियों का विकास परमाणुओं या अणुओं का द्वारा पैदा होने वाली स्वाभाविक आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसी को मापने के आधार पर हुआ है। परमाणु, हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु की एक स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी होती है। इस आवृत्ति को गिनकर यानी फ्रीक्वेंसी को मापकर ये जाना जाता है। अधिकतर परमाणु घड़ियों में 1400 से 40,000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले अमोनिया के अणुओं की आवृत्ति के आधार पर परमाणु घड़ी बनाई गई। सन 1947 में अमोनिया अणुओं की आवृत्ति द्वारा नियंत्रित ऑसिलेटर बनाया गया। इस ऑसिलेटर से सन 1949 में नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड वाशिंगटन डीसी द्वारा प्रथम परमाणु घड़ी बनाई गई। सन 1955 में सीजियम धातु से निकलने वाली परमाणुओं की किरणों द्वारा बहुत ही शुद्ध घड़ी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इंग्लैंड में विकसित की गई। इसके बाद कई प्रयोगशालाओं ने सीजियम घड़ियों का निर्माण किया। सीजियम घड़ी में इसके परमाणुओं की एक धारा सीजियम धातु को एक भट्टी में गर्म करके पैदा की जाती है। एक क्वार्ट्ज की घड़ी से 5 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति को बढ़ाकर सीजियम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 91, 92, 63, 70 के बराबर लाकर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है। मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कुछ भाग एक दूसरी घड़ी को नियंत्रित करता है, यही घड़ी समय प्रदर्शित करती है। कुछ वर्षों में सीजियम परमाणु घड़ी से भी बेहतर घड़ियों का विकास किया जा चुका है। इनमें अमोनिया मेसर, हाइड्रोजन एंड मेसर और रुबिडियम गैस सेल की परमाणु घड़ियां मुख्य है। परमाणु घड़ियों का समय मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने परमाणु घड़ी के बारे में जानकारी ली और 1 सेकंड का ड्यूरेशन कैसा आता है ये भी जाना।
इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।